हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का स्वागत है आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंतर्गत, क्योंकि हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के लिए। अभी सेकंड ईयर में, जैसा कि आपको पता होगा, ये पेपर फर्स्ट है जिसमें हम स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका यानी संघीय संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब उसके बारे में तो हमने जान लिया कि संघीय संसद का निर्माण कैसे होता है। आज हमें सिर्फ ये जानना है कि स्विट्जरलैंड में कानून कैसे बनते हैं, कानून की क्या प्रक्रिया है, ठीक है ना, विधायी प्रक्रिया। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में संघीय संसद है वह दो सदन से मिलकर बनती है। एक सदन तो होता है प्रतिनिधि, क्या होता है, प्रतिनिधि सभा, और दूसरा जो सदन होता है उसे कहा जाता है सीनेट, क्या कहा जाता है, सीनेट। इन दोनों के मिलने से क्या बनती है, यहाँ की संघीय संसद बनती है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर सभी देशों में होता है वैसा इसमें भी, लेकिन यहाँ पे एक सबसे यूनिक बात है कि यहाँ पर दोनों को बराबर पावर दिया हुआ है, दोनों को बराबर है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा को कम लेकिन राज्यसभा को ज़्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। तो यहाँ पर थोड़ी अलग व्यवस्था पाई जाती है कि दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त होती है, भले कानून निर्माण के संबंध में हो या किसी भी संबंध में हो। सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है, संविधान में तो नहीं कहा है, लेकिन एक फर्क है कि व्यवहार में जो बजट है वह किस सदन में पेश किया जाता है, तो वो प्रतिनिधि सभा में। ये थोड़ा एक से एक है, बट संविधान में इनके कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया, दोनों को बराबर पावर रखा गया। तो इसलिए कानून निर्माण प्रक्रिया में भी दोनों को बराबर पावर प्राप्त है, जो हम पढ़ने वाले हैं कानून निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे गठन होता है, तो वो तो मैंने आपको पहले इससे पहले वाले क्लास में आपको बता दिया है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसकी विधायी जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं कि इनके कानून निर्माण के अंतर्गत वहाँ की कुछ संसदीय समितियाँ होती है जो कानून निर्माण के संबंध में सलाह देती है। कानून निर्माण के संबंध में क्या करती है, सलाह देती है। तो आपको बता देते हैं कि संसदीय समिति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संसदीय समिति कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या काम करती है, ये संसदीय समितियां जो हैं, ये जो भी प्रस्ताव होता है यानी विधेयक, विधेयक पर विचार करती हैं, ठीक है ना, यानी विधेयक पर विचार करने के बाद फिर वो सदन में भेजा जाता है। इस तरह से प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के अंदर विधेयक के संबंध में समितियां बनी होती है कि भाई वो प्रस्ताव है वो सदन में आने से पहले संसदीय समिति के पास जाता है, ठीक है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये अगर मैं बताऊँ तो प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत, प्रतिनिधि सभा की जैसे बात करें तो प्रतिनिधि सभा में 12 समितियां होती हैं, संसदीय समितियां, जो उनके विधेयक के संबंध में विचार विमर्श के लिए होती हैं। लेकिन सीनेट की ओर से कहें तो सीनेट के लिए संसदीय समितियों की संख्या होती है 10, कितनी होती है 10, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आप कहेंगे कि संसदीय समितियाँ कौन कौन सी होती है, जैसे एक आध कोई नाम जैसे बता दीजिए, तो जैसे अगर मैं बताऊं तो कुछ एक समितियाँ होती है, जैसे हम कहें कि समाधान समिति, पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड में संसदीय समिति के 2-3 एग्जाम्पल ऐसे नाम बता दीजिए। तो जैसे हम बात करें समाधान शक्ति है, इसके अलावा इसके जो बड़े बड़े विभाग से संबंधित, विभागों से जुड़ी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वित्त समिति, रियायत समिति, जैसे बात करें वित्त समिति, ठीक है ना, या हम एक और बात करें याचिका समिति, याचिका समिति, एक और बात करें इनके रेलवे से संबंधित, तो इस तरह से समितियां होती है। टोटल मिलाकर कितनी समितियां होती है, इनके 22 समितियां होती है, ठीक है। ये एक कानून विधेयक जो होता है उसके ऊपर विचार के रूप में होता है। अब हम सीधा सा आ जाते हैं कि कानून निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो करा दिया है कि ये चीज़ क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। तो इनके कानून निर्माण की प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, और बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ही सिमट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सदन को बराबर शक्तियाँ प्राप्त होती है इसलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो अधिवेशन होता है वह संयुक्त अधिवेशन का भी रखा गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पे वही बात करेंगे कि विधायक प्रक्रिया में जो पहला जो पॉइंट होता है वह विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, विधेयक प्रस्तुत करना, यानी विधेयक आता है, विधेयक प्रस्तुत करना, कानून निर्माण का पहला चरण होता है विधेयक को प्रस्तुत करना। जैसे हम बात करें लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे प्रस्तुत करने के समय कुछ अलग बात है। जैसे बताऊँ, अब स्विट्जरलैंड में ये कि विधेयक प्रस्तुत कौन करता है,
कौन है जो विधेयक प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर बताऊँ कि विधेयक अलग अलग प्रकार पांच तरह से प्रेजेंट किया जाता है, पांच या चार प्रकार से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है, कौन है जो विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। अपनी जैसे बात करें लोकसभा में तो क्या होता है कि जो ये मंत्रिमंडल जो होता है वही विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, या फिर संसद के अन्य सदस्य भी करें तो वो सहमति से करते हैं, लेकिन यहाँ पर विधेयक किसके द्वारा लाया जाता है ऐसा ध्यान रखिए। तो जैसा कि हम बताएं यहाँ पे जो विधेयक है वो लाने के संबंध में चार अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, चार प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, यानी चार तरह से विधेयक को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है जिसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे पहले जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ज़्यादातर जो विधेयक है वो संघीय सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, यहाँ पे एक संघीय सरकार होती है, ठीक है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा विधेयक, अगर संघीय सरकार विधेयक प्रस्तुत न करे तो दूसरे जो है वह संघीय संसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, संघीय संसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है कैंटनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, कैंटनों, कैंटन का मतलब है राज्य, कैंटन का मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, राज्य। इसके अलावा फिर है संघीय संसद के किसी सदन के किसी सदस्य के द्वारा, ठीक है ना, संघीय संसद के किसी सदन के सदस्य द्वारा। देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है कानून निर्माण में विधेयक को प्रस्तुत करना, तो विधेयक या तो संघीय सरकार प्रस्तुत करती है, संघीय संसद प्रस्तुत कर सकती है, या कैंटनों के द्वारा, या फिर संघीय सरकार के सदन के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला हो गया सदन के अंदर विधेयक, मतलब विधेयक को प्रस्तुत करना। अब सदन में तो बाद में जाएगा, क्योंकि विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो उस पर जो संसदीय समितियां होती है वो विचार करती है, तो सबसे पहले विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है उस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए संसदीय समितियां होती है। तो ये नोट कर लेना कि स्विट्जरलैंड में कौन है जो विधेयक को प्रस्तुत करता है। ज़्यादातर ध्यान रखिएगा कि जो विधेयक हैं वह संघीय सरकार के द्वारा ज़्यादातर विधेयक आते हैं, इनके संघीय संसद में जो भी विधेयक आते हैं ज़्यादातर किसके द्वारा आते हैं, संघीय सरकार के द्वारा, स्पेशली बजट से संबंधित विधेयक तो संघीय सरकार ही लाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी जो बात है, यानी आप ध्यान रखिएगा कि मैं जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर वित्त विधेयक है, क्या है, वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो अभी जस्ट बताया, संघीय सरकार के द्वारा। बाकी विधेयक है वो सभी मिलकर या कोई भी, ज़्यादातर विधेयक संघीय सरकार लेके आती है। अब कानून निर्माण के अंदर दूसरी प्रक्रिया क्या है वो नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कानून निर्माण के अंदर दूसरी प्रक्रिया क्या है जो आप याद रखें, ठीक है ना, तो वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप होता है इनका, जैसे कि अभी मैंने बताया था, समितियाँ, ठीक है ना, यानी दूसरी स्टेप होती है समिति अवस्था। जो विधेयक है वह चार प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, और वो विधेयक है वह कहाँ पर आता है, संसदीय समितियाँ बनी होती है, जैसे मैंने बताया था ना टोटल 22 समितियाँ होती है, तो ये जो विधेयक है वह कहाँ पे आएगा, प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तुत किए के बाद वह संसदीय समितियों के पास आएगा, संसदीय समितियों के पास आएगा, अलग अलग समितियाँ बनी होती है। अब ये समितियाँ क्या करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, समिति सदन के समस्त दलों को अपनी सदस्यता के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और स्विट्जरलैंड में विधायी समिति अपनी बैठक उस समय तक जब अधिवेशन न हो तब करती हैं, यानी ये समितियाँ विधेयक के मूल प्रारूप को तो नहीं बदलती हैं लेकिन विधेयकों में संशोधन है वो किया जाता है। तो समिति प्रत्येक विचाराधीन प्रश्न को सर्वसम्मति से सुलाती है, यानी निर्णय एक निर्धारित प्रतिवेदन के द्वारा किया जाता है। एक सिंपल थिंग से अगर मैं बताऊँ तो सदनीय समितियों में सदस्य होते हैं, संसद के ही सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्य जो होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सदस्य सदन में प्राप्त स्थानों के अनुसार ही समितियों में सदन का अनुपात रहता है, क्या रहता है, अनुपात रहता है। इसके अलावा दूसरा बात करें तो समितियां क्या हैं, विधेयक पर विचार करती है, विधेयक पर धारावार विचार विमर्श करती है, ठीक है। तीसरी बात करें कि ये संशोधन नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ समितियाँ
विधेयक को संशोधन नहीं कर सकती। फिर बात करें कि समितियों के द्वारा विधेयक पर चर्चा करने के बाद विचार विमर्श के साथ विधेयक को अपनी रिपोर्ट के साथ सदन में भेजा जाता है। तो ये होता है दूसरा स्टेप, जिसमें संसद समितियां क्या करती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बारीकी से बता दिया। ठीक है, अब बारी आती है कि ये विधेयक है अब किसके पास जाता है, सदन के पास। यानी अब रोल है इनके, जो दो सदन होते हैं ना, प्रतिनिधि और सीनेट, अब उनके पास ये विधेयक आता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए संसद समितियां हैं वह विधेयकों में संशोधन नहीं करती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, संशोधन ये नहीं करती है। अब तीसरी स्टेप है सदन में विधेयक को पारित करना, तीसरा स्टेप, ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा स्टेप कानून निर्माण का संसद में, या मतलब अलग अलग सदन होते हैं ना, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि सदन में विधेयकों को पारित करना। ओके, अब यहां पे देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था जी, जो संसद समितियां होती है, ठीक है ना, संसद की जो समितियां हैं, समितियों के द्वारा अभी जैसे बताया था विधेयक सदन के पास आता है, किसके पास आता है, सदन के पास आता है। तो अब सदन क्या करती है, उस विधेयक को पास करती है। तो पास करने के लिए क्या होता है, आपको बता देते हैं कि सदन में विधेयकों पर धारावार विचार किया जाता है। तो अलग अलग, जैसे अलग अलग सदन की बात करें, पहले जिस सदन में जाएगा वो क्या करेगा, विधेयक पर धारावार चर्चा करेगा। जैसे जो भी विधेयक है उसमें क्या क्या धाराएं आ रही है, क्या बातें हैं, उसको बारीकी से विचार विमर्श किया जाएगा, धारावार संशोधन किया जाएगा। और फिर मान लीजिए समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया था, वह सुझाव अगर संशोधन के ऊपर है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। यानी समितियों के विचार पर या समितियों की रिपोर्ट पर, समितियों की रिपोर्ट ही कहेंगे हम, रिपोर्ट पर विचार किया जाता है कि भाई समिति के पास जब ये आया था विधेयक, तब उन्होंने क्या कहा था और क्या सुझाव दिए हैं। तो या तो रिपोर्ट कहें, या भी ऐसा भी कह सकते हैं कि इनका सुझाव, संसद समिति का जो सुझाव था उस पर विचार किया जाता है, क्या उन्होंने जो सुझाव दिया है कि भाई इस विधेयक में बदलाव करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह से विधेयक पर ये विचार विमर्श किया जाता है। फिर क्या होता है तीसरे स्टेप में, कि सदन में विधेयक को पास करने के लिए मतदान करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, मतदान संग्रह, कि भाई अब ये सब डिस्कस हो गया है, अब विधेयक को पास करना है कि कैंसिल करना है, तो इस पर वोट करेंगे। क्या करेंगे, संसद के जो मेंबर होते हैं वो वोट करेंगे। अगर वो संसद पर बहुमत, मतलब उस विधेयक पर संसद के सदस्य बहुमत दे देते हैं, ठीक है, यानी पास हो जाता है, तो फिर चौथा स्टेप इसमें क्या होगा कि एक सदन द्वारा पास विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो इस तरह से एक सदन का काम हो जाता है पूरा, और वह फिर क्या करता है कि इसको भेजता है दूसरे सदन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो काम, मान लीजिए कि अब यहाँ पे ये सदन की बात करें कि प्रतिनिधि सभा क्या है, प्रतिनिधि सभा, जो समितियों ने जो सुझाव के साथ, जो रिपोर्ट के साथ, सुझाव के साथ जो विधेयक भेजा था, मान लीजिए प्रतिनिधि सभा में आया, तो प्रतिनिधि सभा में इस प्रोसेस से गुजरने के बाद सीनेट के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ, पांच
दूसरी सदन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई नया रूप नहीं कि भाई इसको कैंसिल, मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि अगर एक समिति ने मान लीजिए कि उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो प्रस्ताव वहीं रद्द हो जाता है। प्रस्ताव क्या हो जाता है? वहीं रद्द हो जाता है। या फिर एक समिति ने, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बात करें कि एक सदन है, इस सदन ने प्रस्ताव पास कर दिया तो वो दूसरे सदन में जाएगा प्रस्ताव। अब यहाँ से भी पास हो गया, यहाँ से भी पास हो जाता है तब तो वो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन मान लीजिए अगर इसी संसद सदस्य के द्वारा जो विधेयक इसके पास आया था, अगर इन्होंने उस विधेयक को कैंसिल कर दिया तो विधेयक वहीं से समाप्त हो जाएगा। वह विधेयक यहाँ पर आ गया और इन दोनों के मध्य मतभेद है, प्रथम सदन और द्वितीय सदन के किसी विधेयक के ऊपर मतभेद है, तो जब मतभेद होता है तो संयुक्त समिति का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन। जब दोनों समितियों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन मान लीजिए अगर ये एक्सेप्ट कर ले, ये अस्वीकार कर दे, तब भी विधेयक कैंसिल हो जाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब दोनों के मध्य किसी भी विधेयक के ऊपर किसी भी बात को लेकर मतभेद होता है, ठीक है। तो इसलिए स्वतः स्टप हम ये भी कर सकते हैं, मतभेदों को दूर करना। मतभेदों को दूर करने के लिए जैसे अभी सिस्टम मैंने यही बताया कि संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी संयुक्त सम्मेलन समिति भी कह सकते हैं, संयुक्त सम्मेलन, संयुक्त सम्मेलन समिति होती है। वास्तव में इसका नाम ये है, संयुक्त सम्मेलन समिति। इस पर क्या होता है कि जो दोनों विधेयक के, दोनों सदनों के मध्य मतभेद था, उस मतभेद को ठीक करने का कार्य किया जाता है। तो अब ये जो बात करें संयुक्त सम्मेलन समिति होती है, उसमें कौन होता है? उसमें इन्हीं दोनों सदन के सदस्य होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा मेंबर है तो ज़्यादा मेंबर तो ज़्यादा सदस्य आएंगे, कम मेंबर तो कम आएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि दोनों सदनों के सदस्य बराबर सदस्य होते हैं, समिति का अध्यक्ष उसमें से कोई भी एक व्यक्ति होता है, तो ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम रखा गया है कि भले इसमें 100 हो, इसमें 200 हो, बराबर सदस्य लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? बराबर, यानी इसमें भी 50 सदस्य इसमें आएंगे, इससे भी 50 आएंगे। फिर दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत संयुक्त समिति सम्मेलन में उस विधेयक पर चर्चा करते हैं कि भाई उसे पास करना है या नहीं करना है, ठीक है। और अगर संयुक्त अधिवेशन सम्मेलन समिति भी के अंदर भी अगर निपटारा नहीं होता है, विधेयक पर कोई सुझाव नहीं आता है, तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये होता है संयुक्त अधिवेशन समिति में प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्षता करता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर मान लीजिए कि विधेयक है, उस पर मतभेद था, वो क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो अब क्लियर हो गया तो फिर आगे क्या होगा? उस विधेयक को कानून बनने के लिए अब क्या करना होगा? तो पांचवा स्टेप में ध्यान रखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति की मोहर नहीं होती है। यदि विधेयक दोनों सदनों से अगर पारित हो जाए तो उस पर दोनों सदनों के सचिव, ठीक है ना, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, दोनों सदनों के अध्यक्ष एवं सचिवों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं कि भाई ये हमारी दोनों सदनों के द्वारा इस विधेयक को स्वीकार किया जाता है, तो भी दोनों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। और दोनों के हस्ताक्षर के बाद संघीय सरकार के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है? संघीय सरकार, क्योंकि यहाँ पे संघीय सरकार यानी राष्ट्र पतित्व के मंडल की, यानी 7 लोगों की एक समिति होती है जिसको संघीय सरकार कहा जाता है। तो संघीय सरकार के पास भेजा जाता है और संघीय सरकार उस विधेयक को क्या कर देती है? प्रकाशित कर देती है। संघीय सरकार के पास प्रकाशन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रकाशन हो जाता है वो विधेयक
लागू हो जाता है। समझ में आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे है स्टार रूप में, वो है लोक निर्णय। क्या है? लोक निर्णय। अब लोक निर्णय का मतलब ये होता है कि कोई विधेयक है, वो विधेयक जब पेश किया जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो एक महीने एक साल के अंदर पास होना चाहिए। एक साल के अंतर्गत वो विधेयक इस परिस्थिति से गुजरता है। इस बीच अगर जनता के द्वारा उस विधेयक पर लोक निर्णय की मांग की जाती है तो उस विधेयक पर लोक निर्णय होता है। लेकिन यहाँ आते आते उस विधेयक पर जो समय सीमा थी वो समाप्त हो जाती है, तो विधेयक पर फिर लोक निर्णय का विचार नहीं होता है, फिर वो विधेयक प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो विधेयक है वह प्रकाशन के बाद क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो ये था स्विट्जरलैंड में कानून बनने की प्रक्रिया। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।